संदेश आपती फिल्म द क्रिएटर सर्जनहार 26 में रिलीज થવા જઈ રહી છે. सी मैम बेसिकली वी आर एक्टर्स, तो जब स्क्रिप्ट आता है कोई कैरेक्टर पसंद आता है तो हम लोग करते हैं. तो इनिशियली जब आए आई वाज क्वाइट रिलक्टेंट. मैं शुरू में मैं थोड़ा असमंजस में था, करूं नहीं करूं. बट जब मैंने बाउंड स्क्रिप्ट जब पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई में परफॉर्म करने के लिए कुछ होप है. तो और धर्म के बारे में लाइक आई सेड मैं ज़्यादा उसमें नहीं घुसता और घुसना भी नहीं चाहिए मुझे ऐसा लगता है. तो उस हिसाब से मुझे लगा कि देयर इज अ मैसेज जो बहुत सिंपल है, बहुत सरल है. जब तक आप देखेंगे नहीं आप रिएक्ट नहीं कर सकते. ये वही बात हो गई कि कौवा कान लेके भाग गया, सब भाग रहे कौवे के पीछे, किसी ने चेक नहीं किया कि कान है या नहीं. तो फिल्म देखिए, उसके बाद यू कैन डिसाइड कि इसमें कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल है या एक मैसेज है जो आपको वाकई में सोचने पे मजबूर करेगा. तो दैट्स इट. और फिल्म का एक्सपीरियंस एज अ प्रोड्यूसर ही वाज वंडरफुल. हमारे डायरेक्टर बहुत अच्छे थे और हमारे जितने को एक्टर्स थे वो ऑल वंडरफुल. तो जब हर चीज अपनी जगह पे सही पड़ता है तो तब वो स्टिपुलेटेड जो हमारा टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर शूटिंग कंप्लीट होती है. अदरवाइज हिंदी फिल्म में अगर शूट करना है तो 30 दिन का है तो 45 तक चला जाता है. तो वी फिनिश दैट फिल्म इन टाइम बिकॉज एवरीथिंग वॉज इन द राइट प्लेस. मूवी के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर जो स्थिति है आज मजहब के नाम पर, एक विश्व एक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मजहब और धर्म की वजह से जो हिंसा नफरत हो रही है वो कैसे खत्म किया जाए, ये मूवी के माध्यम से हमने मैसेज देने की कोशिश की है. वो कैसे खत्म करेंगे, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर मजहब ना हो सोचो तो क्या होगा, कभी भी दंगा नहीं होगा. और एक बॉर्डर होगी आजाद पंखी की तरफ उड़ेंगे हम तो युद्ध भी नहीं होगा. दूसरे दिन पर क्यों युद्ध करेंगे, एक ही विश्व हो जाए, एक धर्म हो जाए तो युद्ध खत्म, मजहब के नाम पर दंगा खत्म, हिंसा नफरत खत्म. वो मैसेज मैं देना चाहता हूँ. अच्छा, ये जो मूवी है ये नास्तिकता को प्रोत्साहन देती है ऐसे कुछ हिंदू संगठन कह रहे हैं, उनका विरोध है गुरु जी. अभी तो थोड़ी देर पहले विश्व हिंदू परिषद वाले प्रोटेस्ट करने के लिए भी आए थे, तो क्या कहें उसको लेके? देखो मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता. अपनी अपनी सोच है मजहब वाले की, उनकी सोच है कि भाई अपना ही मजहब सच है तो वो मान सकते. जिनको जिस सोच में रहना, हम एक बात समझो, आप अपनी सोच बताओ कि आप किस मजहब में रहना चाहते हो. मैं क्यों आपको डाल दूं कि भाई यही मजहब पे आप एक्सेप्ट करो. ये मैसेज अच्छा मैसेज है, किसी मजहब के बारे में कुछ बताया नहीं है. यहाँ पर हम लोगों ने जो बात दिखाई उसको ऐसा लग रहा है ट्रेलर में देखकर कि एक मुसलमान लड़की हिंदू लड़की से प्यार करता है और साइंस के स्टूडेंट है. साथ में हमने ये भी दिखाया है कि एक हिंदू लड़का मुसलमान से भी लड़की से प्यार कर रहा है और एक क्रिश्चियन लड़की और एक सिख लड़का है. तो सारे साइंस के स्टूडेंट मिले आपस में और डर गए कि भाई हम मजहब की वजह से शादी नहीं कर पाएंगे, जी नहीं सकेंगे. लेकिन साइंस तो पूरी दुनिया को जोड़ती है ना. तो एक मैसेज के साथ हमारा जो दयानंद जो डॉक्टर रेखा अभी कर रहे हो, उन्होंने कहा डरने की जरूरत नहीं, दुनिया बदल देते हैं हम, अब अपनी जिंदगी जी सकते हैं. दूसरी बात इसमें हमने दिखाने की कोशिश की है कि दुनिया बदल सकती है और इस दुनिया बदल सकती है. उसमें सीक्रेट दिखाया वो बात मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि दुनिया कैसे बदल जाए वो मैंने रिसर्च किया है. पूरी साइंस के जो लोग है उसको मिला हूँ मैं, डॉक्टर से भी मिला हूँ कि भाई दुनिया बदलने के लिए क्या हो सकता है. तो आप जरूर देखिए, सीक्रेट बात है और दुनिया 100% बदल सकती है. जो मूवी देखेंगे उन लोगों को मैंने दिखाया है, वो अगर वो उसी तरह जिएंगे ना तो दुनिया बदल जाए. एक धर्म होना चाहिए, क्योंकि मजहब और धर्म की वजह से जो हिंसा नफरत हो रही है वो कैसे खत्म किया जाए, ये मूवी के माध्यम से हमने मैसेज देने की कोशिश की है. वो कैसे खत्म करेंगे, तो पूरी दुनिया के अंदर अगर मजहब ना हो सोचो तो क्या होगा, कभी भी दंगा नहीं होगा. और एक बॉर्डर होगी आजाद पंखी की तरफ उड़ेंगे हम तो युद्ध भी नहीं होगा. दूसरे दिन पर क्यों युद्ध करेंगे, एक ही विश्व हो जाए, एक धर्म हो जाए तो युद्ध खत्म, मजहब के नाम पर दंगा खत्म, हिंसा नफरत खत्म. वो मैसेज मैं देना चाहता हूँ.